कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इंडियन खाना कितना पुराना है, और इंडियन खाने की खासियत जो है ना कि जो यहाँ बना वो तो हमारा था ही, लेकिन जो बाहर से आया उसे भी हमने अपना बना लिया। जैसे कि ये डिश कोरमा, भैया वेजिटेबल कोरमा बना रहे हैं हम, लेकिन ये वो अवधी कोरमा नहीं है, ये साउथ इंडिया का कोरमा है जिसे कुरमा कहा जाता है। सब्स कुरमा, वेजिटेबल कुरमा, चलिए बनाते हैं बढ़िया सा साउथ इंडियन वेजिटेबल कुरमा। बहुत सॉलिड रेसिपी है। कुरमा चाहे वो अवध का हो, चाहे हैदराबाद का हो, चाहे वो डाउन साउथ का हो, भैया कुरमा का मतलब होता है थिक रिच ग्रेवी। अब थिक रिच ग्रेवी अलग अलग तरीके से बनती है। यहाँ पे बनेगी कोकोनट ऑयल से, इंडियन खाने की खासियत ये है कि जहाँ पे जो भी कुछ ज़्यादा मिलता है वहाँ पे वो चीज़ इस्तेमाल होती है। अब भैया मुग़ल जब आए इंडिया में तो वो दिल्ली की तरफ से आए, वहाँ पर उन्होंने राज करना शुरू किया, फिर वो उनका जो सल्तनत था वो पूरी इंडिया में फैलता गया। जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ खाना भी ले गए, लेकिन लोकल इन्फ्लुएंस वो बहुत ज़रूरी था, उससे खाने में स्वाद बदलता रहा। तो अगर कलकत्ता गए तो वहाँ पे स्वाद अलग हो गया, नीचे साउथ में आए तो कड़ी पत्ता आ गया। मसाले थे लेकिन कड़ी पत्ता भी था, साथ में गया जी थोड़ा सा तेज पत्ता, थोड़ी दालचीनी, थोड़ा सा चक्री फूल यानी कि स्टार अनीस, थोड़ा लवंग, थोड़ा इलायची बड़ा और छोटा, और थोड़ी बहुत काली मिर्च। इंडिया के स्पाइस से सब लोग फिदा थे। इनफैक्ट वो तब की बात नहीं है, आज की भी बात है, हमारे मसाला के कॉन्कॉक्शन में सब लोग फिदा हैं। यही तो है खासियत हमारे खाने की। अब इस प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होना है, मतलब भुनना है अच्छी तरीके से। अब कोरमा में दो स्टेजेस हैं, एक तरफ हम ये प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे और दूसरी तरफ बाकी मसालों को अच्छी तरह से भून के फिर उसका पेस्ट बनाएंगे। अब एक गरम पैन के अंदर ग्रेट किया हुआ नारियल, फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, साथ में काजू और ये थोड़ी सी चना दाल, इन्हें सबसे पहले रोस्ट किया जाएगा, कोई तेल नहीं कुछ नहीं। अब इसे रोस्ट करेंगे आराम से हल्की आंच पे, ये हल्का गोल्डन ब्राउन होगा, और फिर उसके बाद इसमें जाएंगे थोड़े थोड़े मसाले जिसमें है धनिया, जीरा, सौंफ। काजू, चना दाल और कोकोनट, ये तीनों चीजें अच्छे से भुन रही हैं। अब 3 से 4 छोटे चम्मच धनिया, धनिया के बीज, 2 छोटे चम्मच सौंफ और 2 छोटे चम्मच जीरा, इन सब चीजों को साथ में भूनना है। जीरा, सौंफ और धनिया सीड्स ये यहां पर इतने टेम्परेचर में भुन जाएंगे क्योंकि कोकोनट का और काजू का जो टेम्परेचर है इस टाइम पे काफी ज्यादा है। अब अच्छे से भुनने के बाद हल्का सा पानी डालो और बढ़िया सी स्मूथ पेस्ट बना दो, कोरमा फाइन होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए और इसकी बना दी जाए स्मूथ पेस्ट। अब कोरमा जो है बड़े पैन में बनेगा ना, तो इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। प्याज बढ़िया से भुन गया है, कोकोनट, चना दाल, काजू, सौंफ, धनिया और जीरा, इसकी पेस्ट अब बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर प्याज जो है बढ़िया से ब्राउन हो गए, ब्राउन होना बहुत ज़रूरी, ब्राउन नहीं होंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। अब डलेगी जी जीजा जी पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा पानी डाल के। अब पानी किस लिए, हर बार तो बताता हूँ,
मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया। ओहो हो, दैट्स राइट। तो बेल आइकन तो दबाया नहीं होगा, पक्की बात। कैसे पता चलेगा नई रेसिपी आएगी? कैसे पता चलेगा कि जिंजर गार्लिक पेस्ट में पानी क्यों डालते हैं? कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। हर बार जब नई रेसिपी आती है, साथ में बहुत सारी टिप्स आती हैं। अब वो टिप्स अगर आपको सीखनी है तो घंटी बजानी पड़ेगी। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि प्याज का टेम्परेचर इस टाइम पर बहुत तेज़ है, ब्राउन करा ना बिल्कुल। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालोगे तो वो एक जगह ही ना बैठ जाएगी, तो इसलिए थोड़ा पानी डाल के आप उसे मिला लोगे ना तो वो इक्वल इवन ब्राउनिंग होगी उसकी, इक्वली पकेगी। अब जैसे वो पक रही है ना, तब पड़ेंगे मसाले। बेसिक हमारी इंडियन खाने की खासियत ये कि भैया तीन स्टेज में मसाले पड़ते हैं। सोचिए ज़रा, सबसे पहले इसमें हमने डाले फाउंडेशन स्पाइसेस, यानी कि जब नींव रखते हैं ना किसी चीज़ की, फाउंडेशन स्पाइसेस, खड़े मसाले। फिर उसके अंदर जाएगा अभी यहाँ पे बेस मसाले। इस डिश में दो टाइप्स के बेस मसाले हैं, एक इस पेस्ट में और एक सूखे मसाले, और तीसरा होगा फिनिशिंग स्पाइसेस। हर डिश में होता है ना। सोचिए ज़रा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी एंड नमक, धनिया और जीरा तो डल गया ना पेस्ट में। अब इसमें पड़ेंगे जी थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्चें, अब डलेगी जी थोड़ी सी टमाटर की प्यूरी, फ्रेश, पैकेट वाली नहीं है, फ्रेश टमाटर को आप बढ़िया से पेस्ट बना लो और इसे भून लो। अब ये कोरमा बन रहा है तो इसमें खटास के लिए टमाटर गया है, लेकिन दही भी जाएगा। अब दही हल्की सी खटास देगा और हल्की सी रिचनेस, क्योंकि काजू भी है ना, तो बैलेंस कर देगा। लास्ट में कुछ लोग कोकोनट मिल्क डालते हैं, हमारे पास कोकोनट भी है पेस्ट में, तो सारी चीज़ें बढ़िया से ना एकदम बिल्कुल मखमली टेस्ट देंगी, बिल्कुल कोरमा वाली, लेकिन होगा साउथ इंडिया। टमाटर मसाले प्याज अच्छे से भुन रहे हैं, और टमाटर जब हल्का हल्का ऑयल छोड़ने लगे तब दही डालेंगे, क्योंकि दही को भी पकाना ज़रूरी है। भैया इसे कहते हैं तबीयत से मसाले को भूनना। प्याज, टमाटर, दही, ये सारी चीज़ें बढ़िया से भून चुकी हैं, लेकिन जो एक और पेस्ट हमने बढ़िया से भूनी थी ना, उसको पेस्ट बनाया था, वो भी तो डालनी है भैया, उसे भी तो थोड़ा और भूनना है, उसी से तो आएगा कुरमा में वो कुरमा। बढ़िया कंसिस्टेंसी आ गई है, अब समय है कि इसमें सब्जी डाल दी जाए। भैया सब्ज कुरमा बन रहा है ना, लेकिन सब्जी जो है उसे पका के डाल। देखो भैया सिंपल सा लॉजिक है, सब्जी पकती पानी छोड़ती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर सब्जी कच्ची डालोगे तो कोकोनट की जो ग्रेवी है ना वो बहुत थिक है, वो उसमें पकड़ लेगी, फिर वो कुरमा वाला मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे ना। अगर चिकन डाल रहे हैं तो चिकन पकाना होगा उस पेस्ट के साथ, चिकन नहीं, चिकन कच्चा, सब्जी पकी। थोड़े से हरे मटर, बॉईल किए हुए आलू, फ्रेंच बीन्स, गाजर, गोभी, ये सारी चीज़ मैंने बढ़िया से पका ली है, अब इन्हें डाल दिया है। भैया बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा, अब तो मतलब सब कुरमा पे अटैक किया जाए।
खुशबूदार सब्ज कोरमा कुरमा तैयार है एंड बेस्ट एंजॉयड विद केरला परोटा। वेल केरला परोटा या मलबारी परोटा या सिर्फ परोटा, जो भी बोलना है बोलो, और कुरमा के साथ एंजॉय कर लो।